CB4 Errors in एरर्स इन मेजरमेंट्स प्रोपगेशन ऑफ एरर्स एरर में प्रोपोगेशन का मतलब है कि एक क्वान्टिटी में एरर उसकी डिराइवड क्वान्टिटीज तक कैसे पहुंचता है For example अगर एक ब्लॉक है जिसका मास m है और वॉल्यूम v है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मास को मेजर करने में एप्सलूट एरर डेल्टा एम है और वॉल्यूम को मेजर करने में एप्सलूट एर डेल्टा वी है तो उसका मास एम प्लस माइनस डेल्टा एम होगा और वॉल्यूम प्लस माइनस डेल्टा वी होगा अब डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम होता है अब अगर एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास भी है और एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम भी है तो फिर प्रोपोजिशन ऑफ एरर्स हमको ये बताएगा कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी कितना आएगा इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि मास अपॉन वॉल्यूम डिवीजन किया गया है ऐसे ही कोई भी क्वान्टिटीज के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर काम कर सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर सम या डिफरेंस किया जा रहा है दो क्वांटिटीज का व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज अगर ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी है और एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी गई जो कि है जेड एक प्लस बी और

अब सिंस यहाँ पे जेड ए इन टू ए है मतलब कि डेल्टा जेड बाई जेड बराबर होगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए जो कि होगा टू डेल्टा ए बाय मतलब कि ए की पावर टू थी इसलिए टू नीचे आ गया और डेल्टा ए बाय हो गया इसी तरीके से अगर जनरल केस में देखा जाए तो जेड बराबर ए की पावर पी प्लस बी की पावर क्यू प्लस सी की पावर आर है तो रिलेटिव एरर होगा P into delta a by a plus Q into delta b by b plus R into delta c by c जो जो पावर्स थी P Q एंड R वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और रिलेटिव एरर्स आपस में ऐड हो जाएंगे टू गिव यू द रिलेटिव एरर इन z